नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकल के आ रही है। एक नामी गिरामी रेपुटेड डिपार्टमेंट है, NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है दोस्तों, जो मतलब जल विद्युत शक्ति का संयंत्र है, उसकी तरफ से वैकेंसी आ रही है। सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बंपर वैकेंसी है। जो बच्चे बोलते हैं कि सर हमारे लिए वैकेंसी नहीं आ रही, टेक्निकल बच्चों के हालात खराब है, वैकेंसी नहीं आ रही, उन सभी बच्चों के लिए अच्छी न्यूज है। तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों आवेदन कर पाएंगे। कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पे एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप की जरूरत नहीं है। तो कंप्लीट में आपको इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाला हूँ, कितनी वैकेंसी है, किस कैटेगरी कितनी वैकेंसी है, कौन सी ब्रांच की कितनी वैकेंसी है, किस हिसाब से आपका एग्जाम होने वाला है, क्या आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले, कब तक आप इसके फॉर्म भर पाओगे, एज लिमिट के बारे में और एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन है इससे जुड़ी, जो कि इन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर दे रखी है। तो सारी की सारी चीजें आपके साथ में इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं आ गया हूँ NHPC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, NHPCIndia.com। इसी वेबसाइट के थ्रू आपको ऑनलाइन आवेदन भी करना होगा। तो यहाँ पे आने के बाद में आपको यहाँ पे ऊपर कैरियर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस कैरियर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इन NHPC लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, आज की डेट के अंदर जारी किया गया है। मैं ऑलरेडी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर चुका हूं, तो नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूं। देखिए स्क्रीन पे आप नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, NHPC की तरफ से जारी किया गया लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, परमानेंट आपकी यहाँ पे जॉब रहने वाली है। तो आप सभी दोस्तों के लिए अच्छी खबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं दोस्तों बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी स्टार्टिंग डेट के बारे में, तो 21 जनवरी से इसके ऑनलाइन फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 21 फरवरी से पहले पहले आपको आवेदन करना है, लास्ट डेट का बिना इंतजार किए फॉर्म सबमिट कर देना। बात कर लेते हैं ब्रांच के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहली वैकेंसी आ रही है, सिविल इंजीनियर के लिए वैकेंसी आ रही है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है। पे स्केल की तो बात ही मत करिए, सैलरी आपकी बहुत शानदार यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 वर्ष रखी गई है। टोटल वैकेंसी सिविल के लिए 68 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 28 वैकेंसी है, बाकी आप कैटेगरी वाइज देख लेना। एक चीज यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखी है, अगर आपके पास में डिप्लोमा नहीं है, केवल और केवल BBTech डिग्री है, तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाओगे। यानी कि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका सर्टिफिकेट आपके पास में है, तभी आप आवेदन कर पाओगे। अगली जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी है, तो इसके अंदर डिप्लोमा अगर आपके पास में है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। BBTech डिग्री है, साथ में डिप्लोमा है, तभी आप आवेदन कर पाओगे। अदरवाइज आपके पास में डिप्लोमा नहीं है तो डिग्री वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए भी यहाँ पे अच्छी वैकेंसी है, 34 वैकेंसी रखी गई है। जूनियर इंजीनियर लेवल की वैकेंसी 34 वैकेंसी ठीक ठाक वैकेंसी अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पर भी डिप्लोमा वाले आवेदन कर पाएंगे। टोटल मिलाकर के 31 वैकेंसी है, कैटेगरी वाइज आप चेक कर लेना। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे 15 यानी कि 15 वैकेंसी है। उसके बाद दोस्तों जो फिजिकल हैंडीकैप्ड विकलांग है उनके लिए भी यहाँ पे 4 वैकेंसी है, वो भी इसके अंदर आवेदन कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी सैलरी के बारे में, तो यहाँ पे देखिए पे स्केल तो ऑलरेडी इन्होंने बता रखा, आपकी जो बेसिक सैलरी है 29,600 रहने वाली है। उसके बाद में आपको DA भी मिलेगा, HRA भी मिलेगा, उसके बाद परफॉर्मेंस रिलेटेड अलाउंस है, मेडिकल फैसिलिटीज है, सोशल सिक्योरिटी है, पेंशन है, ग्रेजुएटी है, बहुत सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपकी सैलरी है ना 50,000 से ज्यादा आपकी सैलरी बन जाएगी। उसके बाद बात आती है कि आपकी जॉब लोकेशन कहाँ पे रहने वाले, तो NHPC का कहीं पर भी इसका प्रोजेक्ट है, कहीं पर भी इसका प्लांट है, उसका कहीं पर भी कोई भी ऑफिस है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी आपकी वहां पे ड्यूटी रह सकती है। बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क के बारे में, तो अनरिजर्व कैटेगरी है, OBC कैटेगरी है और EWS कैटेगरी है, उनके लिए यहाँ पे जो आवेदन शुल्क है 295 रुपए है। उसके बाद में SC ST जो शेड्यूल कास्ट है उनके लिए यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फीस इन्होंने नहीं रखी है दोस्तों। आवेदन आपको किस हिसाब से करना होगा, वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा। 31 जनवरी से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो तब आप अप्लाई कर देना। हो सकेगा तो मैं फॉर्म अप्लाई करने पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करना, जैसे ही मैं वो वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। फॉर्म देख के ध्यान से आवेदन करना। उसके बाद में बात कर लेते हैं टेस्ट सेंटर के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। आपका जो सिलेक्शन है केवल और केवल एक रिटन टेस्ट के आधार पे होने वाला है, वो भी आपका CBT होगा
ऑफलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होने वाला, उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी, कोई भी यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह नहीं होने वाला है। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। ऑल ओवर इंडिया के अंदर टोटल 22 यानी कि 22 एग्जामिनेशन मतलब सिटीज इन्होंने रखी है, जिसके अंदर देखिए अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, देहरादून है, दिल्ली है, गंगटोक है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, ईटानगर है, जयपुर है, जम्मू है, उसके बाद कोची है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई है, पंजी है, रांची है, रायपुर है, शिमला है। टोटल मिलाकर के 22 एग्जामिनेशन सेंटर है। उसके बाद बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन का जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे आपका जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं है। पेपर के अंदर आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का, यानी कि 180 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल आपका 200 मार्क्स से यहाँ पे 200 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपका जो टेक्निकल है 200 में से 140 नंबर का टेक्निकल रहने वाला है। बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, 200 में से 140 नंबर का आपका टेक्निकल रहने वाला है, 30 नंबर का आपका जीके आने वाला है, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग रहने वाली है। तो सिलेबस बहुत शानदार है, इंग्लिश है, हिंदी वगैरह है, कोई भी मैथ वगैरह यहाँ पे इन्होंने नहीं दे रखी है। टेक्निकल है, उसके बाद में आपका रीजनिंग है और जीके है। और जो बच्चे राजस्थान के अंदर जो कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान 1092 पोस्टों के लिए आवेदन मांग रखे हैं, जिसके फॉर्म अभी चल रहे हैं, तो ये फॉर्म जो बच्चा अप्लाई कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर देना, क्योंकि अप्रोक्स 90% है, 80% टेक्निकल सिलेबस है वो सेम रहने वाला है। तो अच्छे आपके चांस बन जाएंगे, दोनों तरफ आप एक बार तैयारी करके मतलब दोनों अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में रहने वाली है। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है तो उनको मैं बता दूंगा, मैं खुद हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल के हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हिंदी लैंग्वेज के। और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो। वहां पर जो आप एड्रेस सबमिट करोगे वहां पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जूनियर इंजीनियर लेवल की हिंदी भाषा के अंदर चल रही है, वो भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। पेड टेस्ट सीरीज एक आपको वहां पे फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, फ्री के अंदर भी आपको काफी सारे टेक्निकल इलेक्ट्रिकल के टेस्ट मिलने वाले हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। कुल मिला के बात यह है कि डिप्लोमा वाले जो बच्चे हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोई भी एक्सपीरियंस की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करने वाला हूँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।